प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन में आप सभी को जय मसीह कहती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया, और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से ये मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आके परमेश्वर के जलाली और सामर्थी वचन का प्रचार करने के लिए। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर एक व्यक्ति का जो इस पेज से जुड़ा हुआ है और परमेश्वर के वचन को सुनाने और सुनने के लिए हमेशा आतुर रहता है। तो आइए हम प्रार्थना के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और फिर उसके बाद स्तुति आराधना के लिए उसके गीत गाएंगे, और फिर आज के आत्मिक मन्ना को अपने आत्मिक जीवन की तृप्ति के लिए मिल बांट करके खाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक बात के लिए परमेश्वर आपसे विनती और निवेदन करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो इस टाइम परमेश्वर बीमारियों के बिस्तरों में पड़े उन्हें छूई और चुंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन सब व्यक्तियों के लिए परमेश्वर जो तरह तरह की बंधनों में परमेश्वर बंधे हुए हैं, उन सब बंधनों को मैं आपके नाम से तोड़ती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर आप किसी ना किसी बेस्ट जॉब से परमेश्वर ब्लेस करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस वचन के लिए जो आज आपके प्रत्येक बच्चे और बच्चियों में परमेश्वर जो बोया जाता है परमेश्वर, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए, बुजुर्गों के लिए परमेश्वर, उनकी उम्र को और बढ़ाइए परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक घर के लिए परमेश्वर, हर एक घर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सबकी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर। आपके नाम से परमेश्वर बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर बचाई जाने वाली हो पाए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। क्योंकि जब हम इस धरती पर उसकी स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत भी क्या करते हैं, हमारे संग उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, और गीत के बोल है गिन गिन के स्तुति करूं। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर, आंधियां बन
भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। सच में परमेश्वर पिता ने हमें अपनी बाहों में संभाला हुआ है। जब हम परेशानियों में होते हैं तब वो क्या करता है, वो का पक्षी की तरह अपने पंखों के तले हमें छुपा लेता है और एक सच्ची सुरक्षा देता है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर हम आज के आत्मिक मन्ना को मिल बांट करके खाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो भी आज का वचन है परमेश्वर, वो हर एक की ज़िंदगी में काम करे परमेश्वर, और आप वचन के माध्यम से प्रत्येक दिल से बात करने वाले हो पाए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो हमें मिलता है राजा की पुस्तक में, और ये एक स्टोरी है, इसी से रिलेटेड आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने बहुत बार ये स्टोरी सुनी होगी एलिया की, कि जब एलिया जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करता था, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में उसकी इच्छा को मानता था, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ता था। तो एक बार एलिया के मुंह से एक बात निकलती है कि 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसेगा। तो सच में ऐसा होता है कि 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसता है और अकाल पड़ जाता है, और परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचता है कि तू जा करके करीत नामक नाले के पास जा करके छिप जा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब एलिया के पास पहुंचा तो एलिया क्या करता है, एलिया जा करके करीत नामक नाले के पास छुप जाता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि 2 या 2 से 3 अगर लोग उपस्थित हैं तो परमेश्वर वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने बड़े कमरे में हैं, ये डिपेंड नहीं करता आप एक छोटे से कमरे में बैठकर अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, पर विश्वास के साथ करना जरूरी है। अगर आप एक बड़े ग्राउंड में खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास के साथ, तो परमेश्वर वहां पर भी आपकी प्रार्थना सुनता है। जरूरी ये है कि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। जैसे पहले समय में हम देखते हैं बहुत सारे लोग बाइबल में ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जिन पर परमेश्वर की आशय होती थी, जो ब्लेस्ड होते थे, जो जो बात बोलते थे परमेश्वर उन बातों को सच करता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। उन्हीं में से एक है एलिया। जब एलिया का वचन परमेश्वर के पास पहुंचता है कि जा करके करीत नामक नाले में जाकर छिप जा, तो वो वहां पर चला जाता है। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर मैं वहाँ पे चला तो जाऊँगा पर मुझे खाना कौन देगा, मैं तो वहाँ पे भूखा मर जाऊँगा। लेकिन वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर कौवे उनके लिए मांस और रोटी लगाते हैं। परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी कि जा करके एलिया को क्या करना है, वो उसको जा करके खाना देना, उसको जा करके भरपेट खाना देना है। फिर जब कुछ समय के बाद परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है कि अब तू जा करके सारपत नगर को जा और वहां पर तुझे एक विधवा मिलेगी, मैंने वहां पर इंतजाम किया हुआ। जब कौओं ने खाना लाना बंद किया होगा, जब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा होगा, तो उसने ये सोचा होगा कि अब शायद मुझे इससे और कुछ बेटर ऑप्शन परमेश्वर दे रहे हैं, शायद मुझे कुछ और अच्छी चीजें अब मिलेंगी। तो वो ये सोच कर कहाँ चले जाते हैं, सारपत नगर में चले जाते हैं, जहाँ पर एक विधवा क्या कर रही होती है, कुछ लकड़ियों को बीन रही होती है। क्योंकि हम जानते हैं
कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर कुछ नहीं से भी बहुत कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसी ऐसी जगहों से हमारी मदद करता है जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर कभी कभी उन लोगों को भेजता है मदद के लिए कि जिनके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को कराने वाला परमेश्वर है। क्योंकि अगर हम बहुत सारे लोगों से अगर हम हेल्प करेंगे और वो केपेबल होंगे, तो हम उन लोगों की महिमा और स्तुति आराधना करना शुरू कर देंगे, हम उनकी बढ़ाई करना शुरू कर देंगे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, एलिया को भेजा सारपत नगर में। और जब वो उस बुधवा के पास जाते हैं तो वो वहाँ पर लकड़ियाँ बीन रही होती है, और वहाँ पर वो जा करके क्या कहते हैं कि मेरे लिए खाना ले आ। एलिया को नहीं पता कि उसके घर में कितने लोग हैं विधवा के, उसको नहीं पता कि विधवा लकड़ी बीन रही है उसके घर में खाने के लिए है कि नहीं है, उसको नहीं पता अकाल पड़ा है तो विधवा के पास कुछ भी होगा तो वो पहले अपने घर वालों को खिलाएगी। लेकिन तब भी एलिया ये कहता है कि मेरे लिए खाना ले आ। और वो विधवा क्या करती है, जब वो लकड़ियाँ बीन करके जब जाती है तो उसका एक बेटा होता है और उसके पास थोड़ा सा मैदा होता है और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल होता है। तो वो ये सोचती है कि मैं लकड़ियाँ बीन लूँगी और फिर जा करके उसे आग जलाऊँगी और उस मैदे से खाना बनाऊँगी और वो आखिरी मील होगी जो मैं और मेरा बेटा मिल करके खाएंगे, और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन जब एलिया उसके पास जाता है तो वो विधवा क्या करती है, सबसे पहले जा करके उसके लिए खाना बनाती है और लेकर के आती है। उसने अपने बेटे के लिए नहीं सोचा, उसने प्रभु के जन के लिए सोचा। यानी सबसे पहली चीज़, अगर हम परमेश्वर से कुछ ब्लेसिंग्स चाहते हैं, हम परमेश्वर से कुछ आशीषें चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें भी आत्मसमर्पण करना है। हमें अपने लिए नहीं सोचना है हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के लिए सोचना है, हमें पूरा आत्मसमर्पण करना है। तब उन ब्लेसिंग्स को जो कि चिरस्थाई हैं वो हम परमेश्वर से लेने के लायक हो पाएंगे। और उसके बाद क्या होता है कि एलिया आते हैं और खाना खाते हैं और उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, और वो ब्लेसिंग्स जो कि जब तक अकाल ख़त्म नहीं हुआ तब तक उसके घड़े से मैदा और कुप्पी से तेल उसके और उसके घराने से ख़त्म नहीं हो पाया। इतनी सारी ब्लेसिंग्स उस विधवा के लिए थी, क्योंकि परमेश्वर का ये एक तरीके से उसने एक पूरा क्रिएट किया था कि कैसे एलिया सारपत की उस विधवा के पास पहुंचेगा। क्या पता उस विधवा ने प्रार्थना करी हो रो रो कर कि परमेश्वर मुझे खाने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा और मेरे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं देना चाहता या हमारी प्रार्थनाएँ नहीं सुनी है। लेकिन हम और आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर अगर एक रास्ता बंद करता है तो बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खोलता है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरा वचन अभी सुन रहा हो, उसकी जॉब चली गई हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हो जिससे वो कोप अप नहीं कर पा रहा हो, तो परमेश्वर के लिए आप अगर आपको परमेश्वर ने इसके लिए रखा है कि आपकी जॉब गई है, तो उसने कोई दूसरी जॉब, वो भी बेटर जॉब के लिए कुछ सोचा होगा। हो सकता है वो आपकी फैमिली को आपके ज़रिए से बदलना चाह रहा हो सकता है वो अगर हस्बैंड की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो वाइफ को चेंज करना चाह रहा हो कुछ बातों में, हो सकता है वाइफ से वो हस्बैंड को चेंज करना चाह रहा हो। तो परमेश्वर की ये एक नीति है, एक क्राइटेरिया है काम करने का, कि सारपत नगर की उस विधवा का उद्धार करना था तो परमेश्वर ने एलिया को उसके पास भेजा। एलिया को लग रहा था कि परमेश्वर ने उसके लिए कोई खाने का इंतज़ाम किया है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उस सारपत नगर की उस विधवा के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग रखी थी, उसके घराने के लिए एक ब्लेसिंग रखी थी। लेकिन ब्लेसिंग्स तो परमेश्वर देते हैं, पर हम उसे एक्सेप्ट कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो विधवा चाहती तो वो कह देती कि मेरे पास तो थोड़ा सा ही खाना बचा है, वो मैं खाऊंगी, मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी और हम मर जाएंगे, मेरे पास खाना नहीं है, मैं नहीं दे सकती। लेकिन उसने क्या किया, उसने देखा कि ये परमेश्वर का जन है, ये प्रभु का जन है, तो गई और उसने सबसे पहले खाना बना करके उस एलिया को दिया। ये है आत्मसमर्पण। क्या हमारे और आपके जीवन में ऐसा आत्मसमर्पण है? अगर हम परमेश्वर के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आतुर रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में भी एक दिन बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा।
और हमारी ज़िंदगी क्या होगी, सिर्फ मात्र एक ज़िंदगी नहीं रह जाएगी बल्कि एक टेस्टिमनी बन जाएगी। हो सकता है आप किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो सकता है आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस पर विश्वास रखना है और अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगानी है, क्योंकि हमें पता है हमें सुरक्षा कहीं से भी नहीं मिलेगी, हमें सहायता सिर्फ एक जगह से मिलेगी और वो है हमारा परमेश्वर पिता, जो हमें चिरस्थायी सहायता देता है। क्योंकि उसकी ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, जैसे जैसे वो आटा बना रही थी, जैसे जैसे वो मैदा यूज़ कर रही थी, वैसे वैसे क्या हो रहा था, इतनी ब्लेसिंग्स थी कि वो जो बर्तन था वो कभी खाली ही नहीं हो पाया। यानी वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर हमें देता है वो और यूज़ करने से क्या होती है, और यूज़ करने से और बढ़ती जाती है। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, अगर परमेश्वर ने आपके लिए एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता आपके लिए खुला है। जैसे कि सारपत की विधवा ने प्रार्थना करी होगी, उसने रो रो के प्रार्थना करी होगी, कितनी बार प्रार्थना करी होगी, उसको लग भी नहीं रहा होगा कि प्रभु का कोई जन आएगा और इतनी ब्लेसिंग्स देगा, कि उसके पास एक थोड़ा सा मैदा था और वो सोच रही थी कि ये आखिरी मील है जो मैं और मेरा बेटा खाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ा है, कहीं से वो नहीं ला सकती। परमेश्वर ने उसके लिए किसको ठहराया था, एलिया को ठहराया था कि जा करके उसके लिए ब्लेसिंग्स वाले वर्ड्स बोले। तो वैसे ही हम और आपके जीवन में पता नहीं परमेश्वर कब किस घड़ी हमें हेल्प के लिए भेज देगा, हमें हर समय तैयार रहना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और क्या करना है, परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना है। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दिल में आगाही आती है कि मुझे इस मीटिंग में जाना है, मुझे चर्च जाना है, तो हमें उस जगह जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह आप खुद नहीं जा रहे हैं बल्कि परमेश्वर आपको भेज रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे लिखा है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हमें मांगना है परमेश्वर से और फिर हमें अपने दिल के दरवाजों को खोलना है, क्योंकि परमेश्वर तो दिल के बाहर खड़े होके खटखटाता है। हम क्या करना है, खोल करके उसे दिल में आने देना है। और फिर क्या होता है, जब उस ब्लेसिंग्स को वो एक्सेप्ट करती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो इसलिए बार बार वीडियो रुक गई है। और फिर जैसे हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि मरियम जिसने 360 शकेल का इत्र यीशु के पैरों पर उंडेल दिया था, पूरी लाइफ की उसकी कमाई थी जो उसने एक इत्र खरीदा और परमेश्वर के यीशु मसीह के पैरों पर उसने उंडेल दिया। तो वैसे ही ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी बड़ी चीज़ें परमेश्वर के लिए लेके जा रहे हैं, एक छोटी से छोटी चीज़ से भी परमेश्वर खुश होता है, हमारे धन्यवाद की प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है, लेकिन बस वो प्रार्थना विश्वास से करी गई हो। तो ये विश्वास हमें और आपको अपने जीवन में दिखाना चाहिए, जैसे सारपत की उस विधवा ने एलिया को खाना दिया, एलिया को वो खाना दिया जो शायद उसने अपने बच्चे के लिए सोचा होगा, अपने लिए सोचा होगा। तो हमें और आपको भी हमेशा तैयार रहना है अपने परमेश्वर के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेगी, सिर्फ हमारा परमेश्वर पिता ही हमें वो ब्लेसिंग्स दे सकता है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि जैसे पौलुस और सीलास को जब वो कारागृह में थे, जब काट से उनको जब ठोक दिया गया था उनके पैरों को, तो वो क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हो सकता है कि परमेश्वर अभी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देना चाह रहे हो, कुछ समय के बाद उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में मिलेगा। हमें उन प्रार्थनाओं को करने से नहीं छोड़ना है, हमें बल्कि पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए अपने आप को हाजिर रखना है। इन इनक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि हमने एलिया की लाइफ से, उस सारपत की विधवा की लाइफ से बहुत कुछ सीखा होगा और हम अपने जीवन में भी उन सभी चीज़ों को अपनाएंगे जो कि परमेश्वर को भाती होंगी। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर हम आज के सेशन यहीं पर एंड करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो भी आज का वचन परमेश्वर
आपके माध्यम से दिया गया परमेश्वर, वो हर एक की ज़िंदगी में काम करे परमेश्वर। बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर आपके वचन के माध्यम से बचाई जाने वाली हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शिवन मांटी के लिए परमेश्वर, कि उन्होंने परमेश्वर इस पेज को क्रिएट किया परमेश्वर। इस पेज के माध्यम से परमेश्वर आपके वचन का प्रचार होता है परमेश्वर। जो जो लोग परमेश्वर इस पेज के माध्यम से आपके वचन को सुनाते हैं और सुनते हैं परमेश्वर, आप दोनों को ब्लेस करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ और आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारी नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में निरंतर पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।